हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, इस वीडियो में बताएंगे आप फ्लिपकार्ट पे किसी प्रोडक्ट को रेट कैसे कर सकते हैं। ओके, तो लेट से आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं फ्लिपकार्ट पे और आप वो प्रोडक्ट में आप चेक करना चाहते हैं कि जिन लोगों ने खरीदा है वो लोग इस प्रोडक्ट को क्या रेटिंग देते हैं, उसके बारे में क्या मतलब बताते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि वो प्रोडक्ट जो उन्होंने खरीदा उनके पास पहुँचा है तो उसके वो लोग इमेजेस सेंड कर सकते हैं, ठीक है, इस पर पोस्ट कर सकते हैं उस प्रोडक्ट के नीचे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट एक्चुअल में दिखता कैसे है। ओके, तो यही चीज़ हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि आप कैसे रेट कर सकते हैं, अगर आपको प्रोडक्ट ख़राब लगा है तो कैसे बता सकते हैं जिससे यूज़र्स अवेयर हो जाए इस चीज़ से, जो बायर्स होंगे। ओके, और आप भी इसको कैसे चेक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम जाते हैं, पहले अपने फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन खोल ली हमने, फिर उसके बाद माई ऑर्डर्स के सेक्शन में चले जाते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि इसमें आपको कैसे चेक करना है। ओके, तो पहले आपको रेट करना होगा, ठीक है। तो रेट करने के लिए पहले आपको देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट जो हमको डिलीवर हुआ है, ये प्रोडक्ट है वो, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट आपको माई ऑर्डर्स में जाना है। ओके, अब यहाँ पे उसके बाद आपको ये देख सकते हैं खुल गया है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट आपका यहाँ पे खुल चुका है। ओके, देख सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है हम लोग को डिलीवर हो चुका है। ओके, तो इसकी हम अब एक और चीज़ ये भी है कि आप किसी प्रोडक्ट को तभी रेट कर सकते हैं जब आपको वो डिलीवर हो चुका है, ऐसे नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपके पास पहुँचा नहीं है। उसके बाद क्या इसको करना है कि आपको ये प्रोडक्ट जो इस पर टैप कर देना है, जो इमेज बनी हुई है प्रोडक्ट की उस पर हमने टैप कर दिया, यहाँ पे थोड़ा लोड होगा और उसके बाद आपके पास जो प्रोडक्ट है उसकी डिटेल खुल जाएगी, कितने रुपीज़ का है, उसकी रेटिंग कितनी है, ठीक है, और वहीं पर आपको ऑप्शन दिखेगा उस प्रोडक्ट को रेट करने का, ठीक है। आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट थोड़ा महंगा हो गया, जब हमने लिया था तो ये जो प्रोडक्ट है ये 399 का हमको पड़ा था। ओके, और डिलीवरी फ़ी नहीं पड़ी थी मेरी क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर था, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट है आपका और उसके बाद आपको गाइस नीचे आना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देख सकते हैं, दिखाएंगे रेट करने का, ठीक है। आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेटिंग एंड रिव्यूज़, तो इस प्रोडक्ट की जो रेटिंग है वो 4.0 है और अराउंड 3000 लोगों ने इसको रेटिंग दी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रेट प्रोडक्ट पे चले आना है, ठीक है। रेट प्रोडक्ट पे जाएंगे तो ये प्रोडक्ट हमें कैसा लगा, तो हमें 4 की रेटिंग देंगे क्योंकि हमको प्रोडक्ट अच्छा लगा, ठीक है। तो बस सोल का थोड़ा सा इशू है कि बाकी इवन हमको प्रोडक्ट तो अच्छा लगा, और यहाँ पे हम इमेज भी शेयर कर सकते हैं, नीचे देख सकते हैं एक ऐड इमेज का ऑप्शन है लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे ऐड इमेज का ऑप्शन है और यहाँ से आप गैलरी पे जाके इमेज भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम गैलरी पे जाके जो हमने दो फोटो क्लिक करी थी वो हम यहाँ पे जो पोस्ट कर देते हैं पहले। ओके, कैसे देख सकते हैं ये जो प्रोडक्ट हमें रिसीव हुआ था ये 399 की हमको 3 जो फ्लिप फ्लॉप है ये हमको मतलब मिली थी, और यहाँ पे हमने ये इमेज एक पोस्ट करी है, दूसरी इमेज ये है, ठीक है। इस तरह से हमने ये दोनों इमेज पोस्ट करी कि कोई भी अगर ख़रीदना चाह रहा हो तो उसको पता चल जाए प्रोडक्ट किस तरह का है, फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे टैप कर देना है, ठीक है। कंटिन्यू पे हमने टैप कर दिया तो ये हमारी दो इमेज लोड हो गई। अब यहाँ पे हम डिटेल भी लिख सकते हैं प्रोडक्ट की, तो ये प्रोडक्ट जो है मतलब ठीक हमको लगा, कोई इशू नहीं है प्रोडक्ट में, ये नहीं कि ख़राब प्रोडक्ट आया हो, बहुत बेकार हो इस तरह से जैसे हो जाता है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हम सबमिट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं प्लीज़ फिल इन अ रिव्यू, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो यहाँ पे हम वीडियो पॉज करके कुछ हम लिख देते हैं एक दो लाइन। ओके, तो यहाँ पे आपको इस तरह से इसको टाइप कर देना है और यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। आपको ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए आपको गलत प्रोडक्ट रिसीव हुआ है तो आपको उसकी रेटिंग 1 ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी बेकार है तो लोगों को पता चलना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपको देना है इस पर रेटिंग और प्रोडक्ट की रेटिंग और कुछ लिखना है रिव्यू में, सबमिट पर क्लिक कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो है प्रोडक्ट जो है हमारा जो है रेटिंग है और जो रिव्यू है वो हमारा जा चुका है, तो यहाँ पर मिक्सिंग एंड पॉज कर देते हैं। ओके, सो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट को रेट कर सकते हैं। तो गाइस, आगे भी वैसे वीडियोस लाते रहेंगे रिलेटिंग टू फ्लिपकार्ट एंड ऑल, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।